अस्सलाम वालेकुम। तो आज बनाएंगे अक्का तो मसूर दाल की दाल बनाना मसाले। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दाल ली हूँ 200 ग्राम, और इसको धो के मैंने भिगा दी हूँ। और अब ये लेंगे मसाला, ये लहसुन ली हूँ मैंने 1 गट्टी, और अदरक लेंगे, हरी मिर्ची 5 से 6, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। 1 बड़ा चम्मच कोकोनट पाउडर, और ये थोड़े से गर्म मसाले लेंगे खड़े वाले, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच कसूरी मेथी। और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रख ली हूँ, और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसको भी कट कर ली हूँ, और 3 तेज़ पत्ते लेंगे। ये रहे सूखे मसाले, ये 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी पाउडर, और 1 आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। और इसमें डालेंगे 1 पैकेट मैगी मसाला, और ये थोड़ा सा कोथमीर, ये गार्निश के लिए है। तो चलो बनाना। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ों को पीस लेंगे, मसाला सूखा खोपरा ये सब एक साथ में पीस लेंगे मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल के। तो सबसे पहले ये मसाला पीस लेंगे, मिक्सर की वाटी ले लेंगे एक छोटी वाली, उसमें ये सारे मसाले डाल के अच्छा सा एकदम पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे कुकर चढ़ा देंगे, कुकर गर्म होता है, इसमें पानी है, पानी सूख जाएगा, फिर इसमें तेल डालेंगे, तब तक मसाला पीस लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पेस्ट बना ली हूँ, सारे मसाले पीस ली हूँ, साथ में कुकर भी गर्म हो चुका है। अब इसमें तेल डाल देंगे, तेल में डालूंगी 3.5 चम्मच तेल, आप अपने हिसाब से लेना। तो अब तेल गर्म होता है, तेल गर्म हो चुका है, अभी ये 3 तेज़ पत्ते हैं ये डाल देंगे इसमें, और सारी प्याज डाल देंगे, और प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये सारे टमाटर, ये जो मैंने काट के रखी थी, टमाटर डाल के अच्छे से मिला लेंगे। फिर मैं इसमें डाल दूंगी ये मसाला, अब डालेंगे इसमें ये सूखे मसाले और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। ये सारा डाल के एक बार अच्छे से मिला लेंगे, और मसाले को 5 मिनट सिर्फ भूनेंगे। अब ये मिक्सर की वाटी में मैं थोड़ा सा पानी घोल के डाल दूंगी, जो सारे मसाले लगे हुए हैं वो निकल जाएंगे। अब डालेंगे इसमें ये 1 पैकेट मैगी मसाला, ये 1 पैकेट पूरा डालना है। और अच्छे से मिला लेंगे, 5 मिनट सिर्फ भून लेंगे। तो अब मैं ये डाल दूंगी इसमें ये अक्खा मसूर की दाल, 5 मिनट रखी थी मैंने मसाला भुनने, मसाला भुन चुका है, अब दाल डाल देंगे इसमें, और इसको अच्छे से एक बार मिला लेंगे, और पानी डाल देंगे अपने हिसाब से इसमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, ये 1/2 कटोरी पानी मैं इसमें डाल दूंगी। और ढक्कन बंद कर देंगे कुकर का, और 3 सीटी ले लेंगे, तीसरी सीटी में गैस को बंद कर देंगे। तो 3 सीटी हो चुकी है, मैंने गैस बंद कर दी थी, तो अभी हम लोग इसको चेक करेंगे एक बार। तो ये देखिए, ये दाल पूरी तरह से गल चुकी है। अभी एक बार इसको हल्का सा दाल घोटनी से घोट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दाल घोटनी से इसको घोट लेंगे। अगर आपको नहीं घोटना है तो आप ऐसी अक्खी अक्खी रखना, थोड़ी अक्खी अक्खी अच्छी लगती है। ज़्यादा नहीं घोटेंगे, हल्का सा ऐसे ही थोड़ा घुमा लेंगे बस। इस तरह से ये दाल रेडी हो चुकी है, अभी मैं इसको थोड़ी देर पका लूँगी, और ऊपर से एक कड़ी पत्ते और ज़ीरे का तड़का देंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालूँगी, बस इतना ही डालना है, पूरा आधा नींबू नहीं, थोड़ा सा नींबू का, 1 चम्मच नींबू का रस इसमें डालेंगे। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, वरना कोई बात नहीं। तो अभी मैं तड़का रेडी करती हूँ। ये मैंने ली हूँ 1 चम्मच ज़ीरा, 3-4 कड़ी पत्ते। अब इसमें मैं तेल डाल के इसका तड़का रेडी कर लूँगी।
तड़का भी रेडी हो चुका है, अभी तड़के को डाल देंगे इसमें। और मैं डालूंगी थोड़ी सी कोथमीर ऊपर से गार्निश के लिए। एक बार अच्छे से मिला लेंगे तड़के को। तो ये डबल तड़का दाल बन गई हमारी अक्खा मसूर की, बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग भी ट्राई करना। आप लोग इसमें गोश्त भी डाल सकते हो, चिकन डाल सकते हो, जो भी डालना है डाल सकते हो, पर मैंने ये डायरेक्ट मसाले वाली बनाई हूँ। तो ये देखिए हमारी दाल अक्खा मसूर की मसाले वाली रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी। और अगर आपको मेरी ये दाल की रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।